नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के लोगों की सालाना आय 9% बढ़ी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और मौका। आज से होगा बीएड में ऑन द स्पॉट राउंड में एडमिशन। केबीसी के इतिहास में होगा पहली बार जब जया बच्चन शो को करेंगी होस्ट। अय्यर और किशन की आतिशबाजी में अफ्रीकी हुई ढेर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के लोगों की सालाना आय 9% बढ़ी। बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रतिशत बिहार के दो पड़ोसी राज्यों झारखंड और यूपी के मुकाबले बेहतर है, यानी कि बिहार के लोगों की सालाना आय में 2652 रुपये की वृद्धि हुई है। बता दें कि यह आंकड़ा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने जारी किया है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के मुताबिक बिहार की विकास पर 10.98% रहने का अनुमान लगाया गया है। विकास दर में वृद्धि होने से आम लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है और इसी के साथ बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय 9.4%, वहीं झारखंड का 7.3% और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति सालाना आय में 2.7% की वृद्धि हुई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुरेंद्र झा सुमन की। सुरेंद्र झा सुमन, जिन्हें सुमन जी या आचार्य सुरेंद्र झा सुमन भी कहा जाता है, एक मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक, संपादक और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य थे। उन्हें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकें लिखी और मैथिली, संस्कृत और हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकों के संपादक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थानों के शासी निकायों की सेवा की। उनका जन्म आज ही के दिन 10 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर जिले के बल्लीपुर नामक गांव में हुआ था। योगासन में चयनित ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का करेंगे प्रतिनिधित्व। बीते दिन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तृतीय राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें राज्य के कुल 22 जिलों से करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योगासन के अलग अलग 5 विधाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन हुआ। चयन किए गए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण क्रीड़ा कार्यपालक सह पटना प्रमंडल के शारीरिक शिक्षा उपनिदेशक ने कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान कहा कि राज्य के युवाओं में योग के प्रति क्रेज बढ़ा है। माया सरोवर इस वजह से है बेहद खास। माया सरोवर बोधगया में स्थित है। करीब 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये पार्क पर्यटकों के लिए हर दिन खुला रहता है और यहाँ मनोरंजन के ढेरों संसाधन उपलब्ध हैं। पार्क में मौजूद विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ इसकी खूबसूरती और भी मनमोहक बनाती है। इस पार्क के तालाब में आप नौका विहार के साथ साथ मछली पकड़ने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन संध्या के समय भगवान बुद्ध के ऊपर आधारित प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन पानी के फव्वारे द्वारा बनाई गई जल स्क्रीन पर किया जाता है। यह कार्यक्रम लेजर शो के नाम से मशहूर है। आज से होगा बीएड में ऑन द स्पॉट राउंड में एडमिशन। बीएड में नामांकन के लिए स्पॉट राउंड एडमिशन का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में रिक्त सीटों पर 10 अक्टूबर यानी आज से ऑन द स्पॉट चरण के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। रिक्त सीटों की सूची आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbedlnmu.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक अपना आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। 12 अक्टूबर को संस्थान अपने नोटिस बोर्ड पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। मेरिट लिस्ट के आधार पर 13 से 17 अक्टूबर तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इन दोनों सीटों पर भाजपा का टिकट हुआ फाइनल। राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीते दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। बीजेपी गोपालगंज सीट से कुसुम देवी और मुकामा सीट से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाएगी। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीट पर महिलाओं को ही उतारेगी। बता दें कि मुकामा सीट पर महागठबंधन की ओर से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम के खिलाफ सोनम देवी को उतारा गया है। सोनम देवी जदयू छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी है। ललन सिंह ने शनिवार को ही जदयू छोड़ भाजपा का दामन थामा था।
केबीसी के इतिहास में होगा पहली बार जब जया बच्चन शो को करेंगी होस्ट। बिग बी अमिताभ बच्चन का चर्चित टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति, पिछले 22 सालों से शो को खुद अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते आए हैं, लेकिन छोटे पर्दे के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब जया बच्चन किसी शो की होस्ट बनेंगी। दरअसल एक एपिसोड का प्रोमो भी जारी हो चुका है जिसमें जया अभिषेक बच्चन और अमिताभ से अटपटे सवाल पूछती नजर आ रही हैं। बता दें कि केबीसी के मंच पर 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का 80वां यानी कि 80th जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दौरान शो में बिग बी की पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन शामिल होंगे। इस दौरान एक दिन के लिए जया बच्चन केबीसी होस्ट करती नजर आ सकती हैं। शताब्दी आड़ा में जेपी स्मारक को मिलेगा राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गहरे दाव पेच में लगी है। हर 15 दिन और एक महीने के अंतराल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बिहार दौरे पर आना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कुछ बड़ा करने के फेर में है। इस बीच 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती समारोह को लेकर गृह मंत्री अमित शाह शताब्दी आड़ा आएंगे। यही नहीं, जेपी की जन्मस्थली शताब्दी आड़ा में जयप्रकाश नारायण स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा और यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शताब्दी आड़ा आने के बाद करेंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और मौका। मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल और कॉलेज जाकर ऑनलाइन फॉर्म 15 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करने वाले स्टूडेंट को 15 अक्टूबर तक शुल्क जमा करने को कहा है। जो विद्यार्थी शुल्क जमा नहीं करेंगे उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मुहैया कराया जाएगा। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारियां भी शुरू कर दी है। विकास वैभव ने लोगों से की खास अपील। औरंगाबाद पहुंचे आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने लोगों से वाइब्रेंट बिहार से जुड़ने की अपील की है। बिहार सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने बीते दिन बताया कि बिहार में जाति पाति का नहीं बल्कि समरसता का विकास होना चाहिए। उन्होंने खासकर शिक्षा जगत के लोगों से इस संस्था के साथ जुड़ने का अपील किया है और कहा कि समाज में वैसे लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि आज इस संस्था में तकरीबन 45,000 लोग जुड़ गए हैं। बिहार के जहाँ भी हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, मैंने सभी से आह्वान किया है कि अपने बिहार के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान करें और शिक्षा तथा उद्योग का बढ़ावा दें ताकि हम एक नया बिहार का स्थापना कर सके। दिवाली से पहले बिहार आने वाली ट्रेनें फुल फ्लाइट का किराया 5 गुना बढ़ा। दिवाली और छठ का त्यौहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या कई गुनी बढ़ जाती है और यही वजह है कि ट्रेनों में सीटें फुल हैं और फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली पटना रूट पर विमान किराए में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य दिनों में से इस रूट पर किराया 5,000 से 5,500 के बीच रहता है। 22 अक्टूबर को पटना फ्लाइट में किराया 25,000 हो गया है। अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल हैं और रिजर्वेशन भी बंद हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशान 22 अक्टूबर को टिकट बुक करने वाले लोग हैं क्योंकि 22 को वीकेंड है और 24 को दिवाली। अधिकतर लोग शनिवार को बिहार पहुँचना चाह रहे हैं, यही वजह है कि शनिवार को अधिकतर विमान फुल हो चुका है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पटना पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पुलिस ने 4 बदमाशों को कार और गहनों के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल 18 सितंबर की रात्रि को एक कार पर सवार होकर 4 की संख्या में आए शातिर चोरों ने यूनियन बैंक के एटीएम को तोड़कर उसमें रखे 25 लाख से अधिक की राशि को एक झोले में भरकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाते ही कंकड़बाग थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू की, जिसके बाद एटीएम सहित आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला और सफलता हासिल की। शराबबंदी से बिहार के राजस्व में आए करोड़ों रुपए। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। एक ओर जहां सरकार को शराबबंदी की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा था तो दूसरी ओर एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बिहार में सरकार को 17.53 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बिहार में इस साल अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से 6 माह में 72,000 से अधिक अभियुक्त पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। इनमें पुलिस ने 38,000 से अधिक जबकि मद्य निषेध विभाग ने 30,000 से अधिक शराबियों को पकड़ा है। इन शराबियों को नियमानुसार 2 से 5,000 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है।
मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। बिहार में फिर से पोस्ट मानसून के प्रकोप के आसार बढ़ने लगे हैं। बघा और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, तकरीबन 11 जिलों में वज्रपात के भी आसार जताए गए हैं। प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों के मध्य पश्चिम क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रोमांचक मुकाबले में जयपुर ने पटना पायरेट्स को 5 पॉइंट से हराया। बीते रविवार को प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के 7वें मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स को 5 पॉइंट से हरा दिया। यह मुकाबला बेंगलोर के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेला गया, जहां जयपुर पिंक पैंथर्स ने कुल 35 अंक बटोरे, वहीं पटना पायरेट्स 30 अंक ही हासिल कर सकी। ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा। पटना पायरेट्स ने खूब दमखम दिखाया, लेकिन वो मैच को नहीं बचा सके। बीते प्रो कबड्डी लीग में ट्रिपल मुकाबला खेला गया था। पहला मुकाबला पटना पायरेट्स से जीतने के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स यूपी योद्धा से 2 अंकों के अंतर से हार गई। ऐसे में मैच पर एक बार फिर दोनों टीमें अपना दमखम दिखाई। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक फर्जी वेबसाइट की। दरअसल पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि एक फर्जी वेबसाइट समग्र शिक्षा .org समग्र शिक्षा अभियान के आधिकारिक वेबसाइट के रूप में विभिन्न पदों के लिए नौकरी प्रदान करने का दावा कर रही है। पीआईबी ने लिखा है कि इस वेबसाइट का भारत सरकार से संबंध नहीं है। प्रमाणिक जानकारी के लिए आप samagra.education.gov.in पर जाकर देखें। इस स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब बदलना शुरू होगा। गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट स्टेशन योजना में इस स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। इसके तहत अब इस स्टेशन का विकास किया जाएगा। भागलपुर पहुंचे मालदा रेल डिवीजन के DRM यतेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। स्टेशन के सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। पहले फेज में भागलपुर स्टेशन स्मार्ट स्टेशन बनेगा। इसके बाद दूसरे फेज में सुल्तानगंज स्टेशन विकसित होगा। रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़कों के साथ खाली पड़ी रेलवे की जमीनों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। बिहार में मिले कोरोना के 50 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर कोरोना के 23 मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 95 है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं पटना में 13 और सारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 73,209 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 22 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। लालू यादव ने तेजस्वी को दिया पावर। लालू यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बीते दिन राजधानी दिल्ली में राजद का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां औपचारिक तौर पर लालू यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। बीते दिन मंच से बड़ा ऐलान करते हुए लालू यादव ने यह भी साफ कर दिया कि अब पार्टी में RJD में नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, दूसरे नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाले पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। वहीं आज सोमवार को ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी का खुला अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। तेज प्रताप यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की उठी मांग। बीते दिन दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए बवाल के बाद इस पर सियासत भी शुरू होना लाजमी था। ठीक वैसा ही हुआ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना ने तेज प्रताप यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बिहार के पूर्व मंत्री राजद नेता श्याम रजक 1976 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के समय से सक्रिय रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने उन्हें अपमानित किया है। श्याम रजक इस घटना के बाद बेहोश हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दलित नेता होने की सजा श्याम रजक भुगत रहे हैं, साथ ही उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर कही ये बात। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर अपने जनसराज पद यात्रा और बयानों की वजह से चर्चा में हैं। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का PK को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कहा कि वो चाहते थे कि पार्टी में वही हो जो वो कहे, लेकिन जदयू में सब कुछ आपसी रजामंदी और सलाह मशविरा से होता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की लालसा उप मुख्यमंत्री बनने की थी। ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने PK से उस वक्त कहा था कि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री
मंत्री हैं, ऐसे में दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। यदि मंत्री बनना चाहते हैं तो कहें। ललन सिंह ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सुशील मोदी ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार की अहम की वजह से आज नगर निकाय चुनाव बाधित हुआ है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया है, ऐसे में वे तुरंत इस्तीफा दें। मोदी ने नीतीश कुमार से मांग किया है कि अति पिछड़ों को आरक्षण दो और तत्काल चुनाव कराओ। चुनाव में अब तक के खर्च की भरपाई सरकार करे, नीतीश सरकार राजकोष से खर्च की भरपाई करे। अय्यर और किशन की आतिशी पारी से अफ्रीकी ढेर। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। रांची में खेले गए दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 279 रनों का लक्ष्य रखा। इसे साउथ अफ्रीका डिफेंड नहीं कर सकी। श्रेयस अय्यर के नाबाद शतक और ईशान किशन के विस्फोटक 93 रनों की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने यह मुकाबला 3 विकेट खोकर जीत लिया। हालांकि ईशान किशन अपने पहले वनडे शतक से चूक गए, वहीं अय्यर करियर का दूसरा सेंचुरी जड़ने में सफल रहे। अय्यर ने 111 गेंदों में 15 चौके की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली। वहीं किशन ने अपने घरेलू मैदान में 84 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्के की मदद से 93 रनों की पारी खेली और इसी के साथ भारतीय टीम ने यह सीरीज बचा लिया। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक मुकाबला 11 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1910 में किया गया था। भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब 1991 में जीता। भारत ने इसराइल रूस के साथ एवाक्स निर्माण के लिए 2003 में समझौता किया। भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2014 में की गई। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का जन्म 1899 में हुआ। भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का जन्म 1954 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह का जन्म 1924 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ। स्क्रीनशॉट लेने से अब ट्विटर भी रोक रहे। ट्विटर पर मशहूर हस्तियों के स्क्रीनशॉट आप अक्सर अखबारों, टीवी या वेबसाइट पर देखते होंगे, लेकिन अब यह आपको अब कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्विटर पर कोई भी यूज़र किसी की भी ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले सकता था, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यूज़र्स को स्क्रीनशॉट लेने से रोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर पर यूज़र्स को किसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेने की जगह उसे लोगों के साथ शेयर करने के लिए कह रही है। स्क्रीनशॉट लेते समय ट्विटर कुछ यूज़र्स को एक पॉप अप नोटिफिकेशन भेज रही है, जिसमें उन्हें उस ट्वीट को शेयर करने की सलाह दी जा रही है। इसके पीछे कंपनी का मकसद अपने प्लेटफॉर्म पर नए यूज़र्स को जोड़ने का हो सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विपुल कुमार यादव, गुड़िया कुमारी, मृत्युंजय कुमार, पंकज कुमार पटेल, पवन कुमार, पिंटू कुमार, पायल कुमारी, निरंजन तत्मा, उज्ज्वल कुमार और उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में आपको भारतीय टीम से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।